मंदसौर में अफीम नीति के खिलाफ आज वही चौपाटी पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि घोषित की गई नई अफीम नीति किसानों के हित में नहीं है। किसानों की मांग है कि 1990 से अब तक कम औसत के कटे पट्टे बहाल किए जाएं, घटिया पट्टों को तुरंत जारी किया जाए और टोल केंद्र की रिपोर्ट को ही अंतिम रिपोर्ट मानी जाए। साथ ही अफीम की फसल को भी फसल बीमा के दायरे में लाया जाए और CSP पद्धति को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर 25 अक्टूबर को वही चौपाटी पर धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों ने नई अफीम नीति से नाराजगी जाहिर करने के साथ ही नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। इस वर्ष जो है किसानों ने काफी मेहनत की थी और अच्छी अफीम जो है नारकोटिक्स विभाग को तुलाई थी। कहीं न कहीं नारकोटिक्स विभाग द्वारा और राजनीतिक द्वारा जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें जो है भ्रष्टाचार में लिप्त जो है बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है 3 से 4 अधिकारी पकड़ाए भी गए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और किसानों के लगभग हजारों जो है लाइसेंस जो है इस करप्शन की वजह से कटे हैं। किसानों की अच्छी अफीम है और अच्छी क्वालिटी की अफीम नारकोटिक्स विभाग को तुलाई है, इसी बात को लेकर के आज यहाँ हजारों किसान आए हैं। और दूसरी बात यह है, इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया तरीका निकाला है। जब से हमारे बाप दादा हुए हैं ये आदिकाल से खेती चलती आ रही है, इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया तरीका निकाला है कि मार्फिन निकाली जाए। किसान मार्फिन को नहीं जानता है, औसत को जानता है और औसत आधार पर जो है नारकोटिक्स विभाग कई सालों से पट्टे देते चली आ रही है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है और जब से सुधीर गुप्ता सांसद बना है, तब से ये जो है नीति नई मार्फिन नीति लेकर के आए हैं। वहीं से जो है ये हजारों किसान जो है आज प्रताड़ित है, किसान परेशान है, बहुत सारे किसानों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं और किसान अपनी जमीन बेचने पर उतारू है। और इस मार्फिन नीति को और CPS पद्धति एक और नई पद्धति लाए हैं जिसको किसान नहीं जानता कि ये CPS क्या होता है, इंग्लिश शब्द। और ये पद्धति अगर लाई जाती है तो मैं सोचता हूँ कि कई किसान मौत के उस गाल में ऐसा बता रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं, हमको तो मालूम नहीं है कि अब नारकोटिक्स विभाग जो है डोड़े ले जाएगी और उस डोड़े की रखवाली कौन करेगा बिना चीर का डोड़ा जो है। कई किसानों को जो है चोर रात को जो है मौत के घाट उतार देंगे, उसकी जवाबदारी नारकोटिक्स विभाग लेगा या राजनीतिक विभाग या सांसद लेंगे, ये मुझे यहाँ से जो है मन से भी मैं बात करना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से भी ये बात करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से या तो इस अफीम की खेती को पूर्णतया बंद कर दे भारत सरकार, हमको अफीम के पट्टे नहीं चाहिए, और अगर देना है तो मार्फिन पद्धति समाप्त करें, CPS पद्धति समाप्त करें और ये भ्रष्टाचार समाप्त करें और प्रत्येक किसान को जो है 10-10 के पट्टे दिए। आपको क्या लगता है, आपने आंदोलन बुलाया था तो नोटिस देना, आंदोलन नहीं करने के लिए अनुमति नहीं देना, देखिए दबाव बनाना, क्या 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 ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी और इस क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। आपने देखा होगा किसान जो है इस मध्य प्रदेश का और मंदसौर नीमच जिले का किसान बहुत शांतिप्रिय किसान है, जबकि हमने लिख के दिया आवेदन में माननीय SDM महोदय को हम के गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन इस मल्हारगढ़ तहसील के SDOP इस पिपलिया मंडी के थानेदार लगातार दो देखिए दबाव बनाना क्या 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 ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी और इस क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। आपने देखा होगा किसान जो है इस मध्य प्रदेश का और मंदसौर नीमच जिले का किसान बहुत शांतिप्रिय किसान है, जबकि हमने लिख के दिया आवेदन में माननीय SDM महोदय को हम के गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन इस मल्हारगढ़ तहसील के SDOP इस पिपलिया मंडी के थानेदार लगातार 2-3 दिन से दिलीप पाटीदार को और अमृत पाटीदार को थाने में बुलाकर धमका रहे हैं, बोल हम अनुमति नहीं देते हैं, तुम्हारे परमिशन नहीं है, अगर आंदोलन किया है तो ठीक नहीं रहेगा और हम किसी भी कीमत पर उस बही चौपाटी पर आंदोलन नहीं होने देंगे। लेकिन अमृत पाटीदार न तो नारकोटिक्स विभाग से डरता है न यहाँ की पुलिस से डरता है, क्योंकि एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करता है और हजारों आंदोलन मैंने किए हैं और मैंने इनसे बोला भी था कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम तो हमारी मीडिया आएगी हमारी खबर। इनका एक और कहना था कि आप आंदोलन यहाँ पर क्यों कर रहे हो, यहाँ का SDOP का कहना था कि आप बही चौपाटी पर ही आंदोलन क्यों कर रहे हो, यहाँ आपका कौन सुनने वाला है, आप दिल्ली चले जाइए, आप नीमच चले जाइए। मैंने कहा कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान में हमारा विश्वास है और हमने जब जब इस क्षेत्र से इस भूमि से आंदोलन किए हैं उसकी विजय श्री हुई है और अफीम की नीति चेंज हुई है, इसलिए हम इसी क्षेत्र पर आंदोलन। आप अफीम के लिए, इस आंदोलन के लिए, पट्टे कटने के लिए, मारपीट के लिए, हर चीज़ के लिए सांसद को जिम्मेदार बता रहे थे, कि आपने सांसद से बात की या बात करने की कोशिश की?
कई बार बात करने की कोशिश की हमने, लेकिन किसानों से बात जो है सीधे मुख्य सांसद जी नहीं करते हैं। और ये निश्चित रूप से है कि अगर अफीम का पट्टा कोई लेने जाता है और ये कहता है कि मैं सांसद जी कहूँगा और आप जो है पैसे ले रहे हैं, हमारे जैसे किसान जाते हैं तो वो अधिकारी दो गुना पैसा लेता है भ्रष्टाचार का, तो कहीं ना कहीं सांसद इसमें लिप्त है। 2 से 5 करोड़ रुपये जो है सांसद लेता है, यह छाती ठोक के अमृत पाटीदार कहता है और ये आरोप लगाता है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनसे आप पूछिए कि क्या आरोप ये सत्य है कि असत्य है या निराधार। आगे क्या करेंगे आज के बाद? यदि पट्टे नहीं मिलते हैं, सीपीएस खत्म नहीं होता, आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर नहीं होता है तो मेरा साफ सुथरे शब्दों में ये कहना है कि 2017 की पुनरावृत्ति नहीं हो, लेकिन ऐसी स्थिति इस मध्य प्रदेश का किसान इसी जगह पर ये जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी और किसान रोड पर जो है महिलाएं, हजारों महिलाएं और लाखों किसान इस जो है मंदसौर नीमच के बीच में अपने जो हक की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए रोड पर उतरेगा, चक्का जाम करेगा और जो सांसद है, प्रधानमंत्री है, उनके पुतले दहन करेगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है। क्या लगता है जिले के किसान हैं आपके साथ? जिले के हैं, ये जिले के हजारों किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिले के सीपीएस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है कि किसान जो डोडा चूरा में चीरा लगाते थे, डोडा में चीरा लगाते थे, बिना चीरा लगाए हुए अल्कोलाइट को निकालना है। अभी भारत सरकार द्वारा सिर्फ सीपीएस पद्धति द्वारा लाइसेंस देने का नियम जारी किया गया है और उसकी खरीद बिक्री भारत सरकार कैसे करेगी उसका नियम अभी आना बाकी है। जैसे ही नियम आएगा मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सर, एक बात बताइए, जो सीपीएस पद्धति के दौरान जैसे जो आपका पोस्टा दाना निकलता है वो किसानों को नहीं मिलेगा, ये सब नीति बन रही है और इसके अलावा क्या भाव बढ़ाए जाएंगे? सभी आप लोगों की सभी नीति, सभी जो मांग है उसको आगे हम लोग पहुँचाए हैं और अभी अंडर प्रोसेस है। अभी एक चीज बताइए, अभी तक आपके पास क्या ठोस जानकारी है कि किसानों को नीति में दिया क्या जाएगा? अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, अभी अभी अंडर प्रोसेस है, तो अभी अभी 15-20 दिन में पूरी नीति आ जाएगी। किसानों ने जो मांग करी इसका क्या करेंगे? किसानों ने जो मांग करी है, जो ज्ञापन दिए हैं उनको मैं भारत सरकार को पहुंचाऊंगा। अभी तो अभी कोई जानकारी नहीं, अभी तक नहीं, अभी अंडर प्रोसेस है और ज़्यादा चांस है 1-2 सप्ताह में पूरी जानकारी आ जाएगी। तो सर, ये पट्टा कब तक जारी करेंगे सीपीएस वाले? सीपीएस का पट्टा 30 तारीख के लगभग से जारी शुरू हो जाएगा। जी जी जी, 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 2-3 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। आपका नाम और डिटेल? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं सुपरिंटेंडेंट हूँ उपनारकुट नीमच। ओके।